हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम वेब स्क्रैपिंग की मदद से किसी भी वेबसाइट को हम इजीली स्क्रैप कर सकते हैं। तो हम इस कोर्स में यही सीखेंगे कि कैसे हम आईएमडीबी की जो हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे दुनिया भर की सारी मूवीज़ का डेटा भरा पड़ा है, और उस वेबसाइट को हम स्क्रैप करेंगे। तो जैसे मैं आईएमडीबी की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ये वेबसाइट अब ओपन हो चुकी है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मूवीज़ का डेटा है, दुनिया भर की मूवीज़ का डेटा यहाँ पे इजीली हर किसी हो जाता है। तो हम इस कोर्स में ये सीखेंगे कि कैसे हम इंडिया की टॉप रेटेड जो मूवीज़ है, इंडियन मूवीज़, उन डेटा को हम कैसे स्क्रैप कर पाते हैं रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल सूप की मदद से। तो मैं टॉप रेटेड इंडियन मूवीज़ जो है मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया की जो 250 टॉप रेटेड मूवीज़ है उन आ चुकी है, कि उनका नाम है, उनका रैंक भी है, और वो कौन से ईयर में रिलीज़ हुई और उनकी रेटिंग्स क्या है। ये पूरा डेटा मेरे पास अभी मेरे सामने दिख रहा है। तो अगर आप, मैं रैंडमली किसी एक मूवी को ओपन कर लो, जैसे अगर मैं आनंद को ओपन करता हूँ, तो आप आनंद में देख सकते हो कि वो मूवी कब रिलीज़ हुई, उसका रन टाइम क्या है, और उसका जोनर क्या है, या फिर किस डायरेक्टर ने उस मूवी को बनाया है, या फिर कितने लोगों ने इसमें काम किया है, कौन सी कास्ट है। तो पूरी ये डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही है। अगर मैं राजेश खन्ना पर अगर क्लिक करता हूँ, तो राजेश खन्ना की जो बायोग्राफी है आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो कब पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारा डेटा यहाँ पे है, और उन्होंने किन किन मूवीज़ में कौन कौन सी साल में काम किया है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर आप ईजीली देख पा रहे हो। तो ऐसे ही कुछ हम डेटा हम आने वाले इस कोर्स में स्क्रैप करना सीखेंगे ब्यूटीफुल सूप और रिक्वेस्ट की मदद से। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि हम कैसे स्क्रैप करेंगे डेटा को। तो जैसे आप देख रहे हो कि इसकी हेडिंग है जो इंडियन मूवीज़, तो इसको मैं अपने टर्मिनल पे प्रिंट करवा कर आपको दिखाऊँगा, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हम आने वाले कोर्स में कैसे हम इस वेब स्क्रैपिंग के मदद से इस वेबसाइट को स्क्रैप करेंगे। तो मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है, और मैं अभी आई पाइथन के शेल में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं पहले रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल सूप के बारे में आप आने वाले वीडियो में, जो आप अगली वीडियो होगी, आप उसमें जानोगे कि कैसे रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल सूप काम करता है। फिलहाल तो मैं एक ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि हम इनकी मदद से कैसे किसी भी वेबसाइट के डेटा को हम स्क्रैप कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल सूप, ठीक है, ये शायद मैंने कोड गलत लिखा, ठीक है, ये अभी ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया है। अब मैं एक यूआरएल नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं जो भी वेबसाइट मुझे स्क्रैप करनी है या फिर जो भी वेब पेज स्क्रैप करना है उसका यूआरएल डालूंगा। तो मुझे ये वेब पेज स्क्रैप करना है, इसके लिए मैंने इसके यूआरएल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं एक रैंडमली पेज नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसमें मैं रिक्वेस्ट को कॉल करूँगा, और यूआरएल जो हमारा वेरिएबल है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करूँगा। तो ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा चुकी है। अगर मैं पेज को प्रिंट करवाता हूँ तो रिस्पॉन्स 200 आता है। इसका मतलब ये है कि एक स्टेटस कोड है जो हमें यह दर्शा रहा है कि हमारा पेज डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली। तो पेज डॉट टेक्स्ट करूँगा, तो मुझे जो भी है HTML का कोड मेरे टर्मिनल पे प्रिंट हो चुका है, यानी इस पेज का जो है सोर्स कोड जो है, जो अगर आप व्यू पेज सोर्स कोड करो, तो ये सेम कोड जो आपको ये वेबसाइट पे दिख रहा है, वही सेम कोड आपको इस टर्मिनल पे भी दिखेगा। तो आप इंस्पेक्ट की मदद से भी इसको देख सकते हो। तो जैसे अगर मैं इंस्पेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो HTML का है सेम कोड मेरे टर्मिनल पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं ब्यूटीफुल सूप की मदद से इसके इस पेज के हेडिंग को मैं प्रिंट करवाऊँगा अपने टर्मिनल पे, ठीक है। तो मैं पेज डॉट टेक्स्ट जो मुझे एक HTML का कोड दे रहा है उसको मैं एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, और HTML पार्शर की मदद से हम
हम जो HTML कोड के अंदर जो हेडिंग टैग है उसका, उसके अंदर जो स्ट्रिंग है या फिर जो इंटेंस स्पॉटलाइट लिखा है उसको हम अपने टर्मिनल पे प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये तो इजीली हमने ब्यूटीफुल सूप को कॉल कर लिया। अब हम सूप डॉट फाइंड करेंगे इसके अंदर की जितने भी हेडिंग टैग्स है, तो जो हेडिंग टैग है H1, ठीक है, इसको मैंने कॉल किया और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास ये हेडिंग टैग आ गई H1 और जिसके अंदर लिखा है इंडिया स्पॉटलाइट, तो जो अभी भी एक टैग के फॉर्म में है। अगर मैं इसके ऊपर गेट टेक्स्ट कर देता हूँ जो मुझे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में या फिर क्लीन डेटा मुझे देगा, तो आप देख सकते हो कि इंडिया स्पॉटलाइट ये यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही हम इसमें टाइटल को भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे अगर H1 की जगह अगर मैं लिखूँ टाइटल, तो इस पेज का जो टाइटल है वो टाइटल आ जाएगा टॉप रेटेड इंडियन मूवीज, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे ही अगर मैं इस पे गेट टेक्स्ट करता हूँ तो एक स्ट्रिंग, क्लीन स्ट्रिंग मेरे पास आ जाएगी या फिर क्लीन डेटा मेरे पास आ जाएगा। तो हम मैं इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं a इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड भी कर दूँ या फिर टोमेट, हाँ a इक्वल्स टू, अगर मैं ये लिखूँ सूप डॉट फाइंड टाइटल, तो मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी भी वेरिएबल में भी इसको स्टोर कर सकते हैं इजीली। गेट टेक्स्ट, ठीक है, तो ए की वैल्यू अब ये हो गई। तो ऐसे हम बहुत सी कूल चीज़ें हम इस आने वाले कोर्स में करेंगे। तो जैसे मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि मैंने इसका एक कोड लिखा है जिसमें मैंने ये जो इंडिया की टॉप 50 मूवीज़ की जो लिस्ट है एक डिक्शनरी के फॉर्म में मैंने टर्मिनल पे प्रिंट करवाई है। तो मैं वो आपको कोड भी दिखाता हूँ कि कैसे मैंने ये किया है, कि मैंने एक स्क्रैप टॉप लिस्ट नाम का फंक्शन लिखा है जिसमें मैंने एक ऐसा कोड लिखा जहाँ से मुझे ये पूरी जो 250 मूवीज़ है उनकी पोजीशन, उनका ईयर, उनका ये जो नाम है मूवी का और साथ ही साथ उनकी जो URL है ये यहाँ पे मिल रहा है। एक मैंने यहाँ पे दूसरे फंक्शन में टॉप मूवी लिस्ट नाम के जिसमें मैंने एक डिक्शनरी बनाई। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाऊँ तो आप इजीली देख समझ पाओगे कि मैंने क्या किया है इसमें, ठीक है। तो मैं अब इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो अब ये प्रिंट हो जाएगा, शायद नेट थोड़ा स्लो है, तो हो गया है प्रिंट। तो अगर आप इसको देखो तो ये पूरा डिक्शनरी और लिस्ट के फॉर्म में मेरे पास डेटा आ चुका है। तो ये देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं पी प्रिंट की मदद से आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसको किया है। तो पी प्रिंट करेंगे हम, ठीक है, और ठीक है पी प्रिंट की मदद से भी हम देखेंगे कि कैसे मैंने इसको टर्मिनल पर प्रिंट करवाया है। प्री प्रिंट किया, ठीक है। तो ये आप अभी बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हो कि कैसे मैंने हर एक मूवी के लिए एक अलग डिक्शनरी बनाई, जैसे नेम रंगीला, उसकी पोजीशन 185, रेटिंग 7.5, या फिर हम आप क्या है कौन, उसकी पोजीशन 186। तो ऐसे पूरी मूवीज़ जो 250 मूवीज़ है उनके लिए एक अलग अलग डिक्शनरी बनाई है और उसको एक लिस्ट के अंदर मैंने स्टोर कर दिया है। अगर आप, मैंने इसको एक फाइल में भी सेव किया है, तो आप वो फाइल भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि कैसे मैंने उसको फाइल में बना रखा है। तो यहाँ पे जो है डेटा, इसके अंदर जो टॉप मूवीज़ जो मेरी टेक्स्ट फाइल है, इसमें भी आप इजीली देख पाओगे कि कैसे मैंने उसको बनाया है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट पे आनंद है 1971, 8.7 उसकी रेटिंग, उसका जो URL है वो, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप इस कोर्स में आपको ये सीखना है कि आपको भी एक ऐसा कोड लिखना है जो 250 मूवीज़ की लिस्ट बनाए। और साथ ही मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ कि हम उसको मैंने कैसे ऐसे ईयर वाइज इसको ग्रुप किया है,
तो ग्रुप बाय ईयर नाम का जो मैंने फंक्शन लिखा है उसमें ईयर वाइज मैंने इस डेटा को या फिर इस मूवीज़ के डेटा को ग्रुप किया है। तो एक न्यू टैब खोल लेता हूं ताकि आप इजीली इसे आउटपुट को देख पाऊँ। ठीक है, तो ये आउटपुट आएगा। ठीक है, ये आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जैसे ही अगर ऊपर जाओगे तो 1971 में जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ हुए उसकी मैंने एक अलग लिस्ट बनाई है, या फिर आप 2013 में जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ हुई है उसकी एक अलग लिस्ट मिलेगी। तो इसको भी अगर हम पी प्रिंट के मदद से देख के तो और भी हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे मैंने इसको बनाया है। ठीक है, तो इसको भी हम पी प्रिंट के मदद से देखते हैं। तो ऐसे ही आपको ग्रुप बाय ईयर और ग्रुप बाय डेकेड भी बनाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे। अगर देखो, अगर ये 2011 की मूवी और उसकी एक लिस्ट है 2011 में जितनी भी मूवीज़ बनी या फिर 2012 में जितनी भी मूवीज़ बनी, तो एक डिक्शनरी के अंदर मैंने एक लिस्ट और उसके अंदर कुछ डिक्शनरी, तो इस पैटर्न में मैंने ये पूरा डेटा अपने टर्मिनल पे प्रिंट करवाया है। अगर आप फाइल्स के फॉर्म में देखना है तो आप वो भी देख सकते हो यहाँ पे मूवीज़ बाई ईयर, जो 1971 में एक ही मूवी बनी थी आनंद, 2013 में 15 मूवी बनी, 2018 में 20। तो ये सारे डेटा मैंने यहाँ पे इजीली स्क्रैप करके अपने फाइल में स्टोर किया है। तो मैं इसका यूज़ कहीं पर भी कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई नई अपनी वेबसाइट बनानी है या वह जहाँ पे मुझे मूवीज़ का डेटा चाहिए, तो मैं वहाँ पे इस डेटा को भी अपलोड कर सकता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट में वो डेटा इजीली कोई भी एक्सेस कर पाए या फिर कोई भी यूज़र उस डेटा का यूज़ कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप भी आगे वेब स्क्रैपिंग करते रहना, मज़े करना। थैंक यू।